हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंग्लिश क्लास एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ द नावल टाइगर फॉर मालगुडी नाउ अब यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि सीआर जो है वो उन दोनों से अपने सेफ डिस्टेंस में रहकर बातें करने की कोशिश कर रहा है टाइगर और टाइग्रस से जो इनकी अभी जो है लड़ाई हो चुकी है और दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हैं जिसमें जो टाइग्रस थी उसकी तो आइज़ भी ओपन नहीं हो पा रही थी ठीक है चलिए आगे देखते हैं दैकल द जैकल कंटिन्यूड इन ग्रेटिएटिंगली इफ़ यू कैन नॉट डिस्कवर अ रीज़न टू बी एनिमीज वाई डोंट यू कंसिडर बींग फ्रेंड्स तो जो जो सी, जो सी आर था जो जैकल था वो अपनी बात को जैसे अनुग्रह पाने के लिए जो तरीका होता है ना तो वो इस तरह की बात को अपनी बात को बोलते जा रहा था और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है एनिमी होने का क्योंकि दोनों आंसर नहीं कर रहे थे उसके क्वेश्चन का तो तुम लोग है ना दोस्त बनने के लिए क्यों नहीं सोचते हो हाउ ग्रैंड यू कूड मेक इट इफ यू ज्वाइन फोर्सेज और बोलते हैं अगर तुम दोनों की ताकत मिल जाए तो तुम कितने बड़े कितने विशाल हो जाओगे ठीक है यू कुड बिकम सुप्रीम इन दिस जंगल तुम दोनों जो है इस जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट और कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता नो वन विल एवर ट्राई टू स्टैंड अप टू यू ठीक है एक्सेप्ट अ क्रेजी टस्कर केवल एक जो पागल हाथी होगा ना वही तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है इसके अलावा कोई नहीं खड़ा होगा और जिसके साथ भी तुम क्या कर सकते हो होम यू कुड टॉस अबाउट बिटवीन यू टू और जिसे आ, मतलब उस पागल हाथी को भी तुम दोनों मिलकर जो है उसे आराम से उछाल पाओगे इफ़ यू कम्बाइंड यू कुड मेक ऑल द जंगल शेक और अगर तुम दोनों मिल जाओगे ना यानी टाइगर और टाइग्रेस एक साथ हो जाएंगे फ्रेंड्स बन जाएंगे तो क्या होगा पूरे जंगल को हिला सकते हो तुम हिज वर्ड्स साउंडेड अग्रीएबल तो टाइगर कह रहा है कि उसकी बातें जो है वो मुझे अग्रिएबल लग रही थी यानी सहमत होने के लायक लग रही थी आई फेल्ट अ सडन कम्पैशन फॉर माई एडवर्सरी एंड ऑल्सो ग्रेटिट्यूड फॉर बींग स्पेयर्ड माई लाइफ तो टाइगर बोल रहा है कि मुझे अचानक से जो मेरी जो राइवल थी मेरी जो दुश्मन थी है ना उस पर दया आ गई ठीक है और मेरी लाइफ बचाने के लिए कम से कम उसने मुझे छोड़ दिया मतलब जान से नहीं मारा उसके लिए मेरी इच्छा होने लगी कि मैं उसे थैंक यू बोलूं आई स्ट्रगल्ड टू गेट अप ऑन माय फीट एंड मिसटेकिंग माय एक्शन द जैकल स्विफ्टली विद ड्रू एंड इस बिफोर आई कुड से यू हैव एडवाइज अस वेल ठीक है जो टाइगर है वो ये कह रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होने की फिर बहुत मुश्किल से कोशिश करने लगा मुझे अपनी खुद की गलती समझ आ गई और जो जैकल था जिसने हमें ये एडवाइस दी थी वो बहुत जल्दी से पीछे हट गया क्योंकि मैं मूव कर रहा मूवमेंट कर रहा था तो उसको डर लग गया ठीक है जबकि मैं तो उससे इतना कहना चाह रहा था कि उसने जो है हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया है ना लेकिन ये मेरे ये कहने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो गया I limped along to the tigress very cautiously and expressed my contrition and desire to make amends। तो जो टाइगर है वो कहता है कि मैं बहुत सावधानी पूर्वक जो है लिम्प करता हुआ लंगड़ाता हुआ उस टाइगरस के पास पहुंचा। और मुझे बड़ा और फिर मैंने अपना जो रिग्रेट था उसको यानी पश्चाताप था, था वो व्यक्त किया मैंने उसके सामने और कोशिश की और उसे मतलब ये भी शो किया कि मैं जो है अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ शी वॉज इन नो कंडीशन टू राइज और सी मी लेकिन बेचारी जो टाइग्रेस थी उसकी बिल्कुल हालत ही नहीं थी कि वो उठ सके या मुझे देख पाए आई क्लीनड अप द ब्लडी मेस कवरिंग हिज आइज एंड सेट बिसाइड Beside her huge body, paying all attention and 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 performing many acts of tenderness till she she was able to open one eye slightly and still, and it filled me with dread lest should kill me instantly. ठीक है तो टाइगर बोल रहा है कि मैंने उसकी आँख की ऊपर जो ब्लड की जो mess यानी गंदगी जो लगी हुई थी उसको साफ किया आँखों के चारों तरफ से ठीक है और जिससे उसकी जिसकी वजह से उसकी, उसकी आँखें जो है बंद थी ठीक है लेकिन उसका और उसका बहुत ध्यान रखा उसकी देखभाल भी करते हुए उसके जो बहुत बड़ा सा जो बॉडी थी जो शरीर था उसके पास में बैठ गया ठीक है तभी वो अपनी एक आँख खोलने मतलब कि जब उसने इतनी केयर की तो जो टाइगरस थी वो अपनी एक आँख खोलने के लायक हो गई थी ठीक है और लेकिन वो थोड़ी सी अग्रेसिव हुई जिससे क्या है टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसको ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो मुझे तुरंत के तुरंत ही मार दे शी कुड हैव इजीली डन इट इफ़ शी वॉज सो दिस कि वो बहुत आराम से ख़त्म कर सकती थी मुझे बट अ चेंज हैड कम ओवर हर टू लेकिन एक चेंज उसके अंदर भी आया था माई मिनिस्ट्रेशन सीम्ड टू हैव हेल्पड हर टू रिकवर हर ब्रेथ कि उसकी उसको सांस लेने में आसानी होने लगी थी है ना मेरी जो मैंने उसको सेवाएँ दी थी यानी मैंने जो उसकी हेल्प की उससे उसको थोड़ा सा जो है कम्फर्टेबल फील हो रहा था विजन एंड द यूज़ ऑफ हर लिम्ब वो अपने लिम्ब्स को यूज़ कर पा रही थी यानी कि अपनी जो अदर बॉडी पार्ट्स थी उनको हिला पा रही थी देख पा रही थी ठीक है शी फॉलो मी मी क्वाइटली both of बोथ ऑफ limping to टू एन pond, पॉन्ड एंड वी about अबाउट इन द वॉटर we were cleansed ऑफ ब्लड एंड फेल्ट relieved. ठीक है और फिर क्या हुआ कि जो टाइग्रेस थी वो टाइगर के बिल्कुल पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगी है ना दोनों के दोनों लिंप कर रहे थे लंगड़ा रहे थे तो दोनों लेकिन फिर भी वो दोनों पास के ही एक pond में जो है जाकर कूद गए ठीक है और वहाँ पर जाकर वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपने आप को जो है साफ़ किया अच्छे से जब जब तक कि पूरा का पूरा जो ब्लड जो है वो छूट नहीं गया ख़त्म नहीं हो गया जो ब्लड पड़ा उनके शरीर पर लगा हुआ था वो सारा हट नहीं गया और दोबारा से उनको रिवाइव फील होने लगा रिवाइव का मतलब कि दोबारा ऐसा लग रहा था जैसे नया जन्म उन्हें मिल गया है वी हैव नो रिकॉर्डिंग ऑफ़ टाइम इन द मैनर ऑफ ह्यूमन बींग्स फिर टाइगर कह रहा है कि हम लोगों को ह्यूमन बींग्स की तरह टाइम की कोई मेजरमेंट नहीं था कोई अनुमान नहीं था बट बाय द टाइम द स्कार्स ऑफ अवर बैग्स व ड्राई अटर ऑफ फोर वॉज एडेड टू आवर फैमिली क्लाइंबिंग एंड जंपिंग ओवर अस ऑल द टाइम इन द केव फिर वो कहता है हमारे घाव भर गए थे ठीक है मतलब जैसे जस जैसे समय बीतता गया उस टाइम तक हमारी जो पीठ के ऊपर जो निशान थे वो सूख गए थे घाव भरने लगे थे और धीरे धीरे जो है हमारी फैमिली के अंदर चार छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी जुड़ गए थे जो हमेशा जो है केव के अंदर उछल कूद करते रहते थे इट वॉज़ ऑल वेरी वेल एज लॉन्ग एज देर सकलिंग ठीक है सकलिंग्स तो so, जब तक वो अपनी माँ का दूध पीते थे तब तक वो सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक ठाक चल रहा था एट दैट स्टेज दे नेवर मूव्ड अवे देयर हॉराइजन बीइंग देयर मदर्स बेली टाइगर कह रहा है कि वो जो बच्चे थे उसकी फैमिली के वो उस वाली सिचुएशन में हिलते भी नहीं थे अपनी माँ का ही दूध पीते थे वहीं रहते थे क्योंकि उनको उनका हॉराइजन जो था वो केवल उनकी मदर का जो पेट था वही था वहीं पास पास ही रहते थे बहुत छोटे बच्चे थे वो इस वजह से ठीक है द लिटिल वो हमेशा अपनी जो मदर के पेट के पास ही रहते थे द लिटिल वंस वेर वर हैप्पी कंटिन्यूअसली सकलिंग और वैन फुली फेड क्लाइंबिंग एंड जम्पिंग ओवर देयर मदर्स इमेंस साइड्स एज शी स्ट्रेच हर सेल्फ अक्रॉस द फ्लोर ऑफ अवर होम तो क्या होता था वो बोलते हैं कि जो छोटे छुट छोटे बच्चे थे वो बड़े हैप्पी थे बड़े खुश थे हमेशा दूध पीते रहते थे है ना और जब उनका पेट भर जाता था तो अपनी माँ के ऊपर ही उछलते कूदते रहते थे है ना जहाँ पर और वो जब जो उसकी मदर जो है वो आराम से जो है पैर फैलाकर जो है तो पूरा अपने आप को स्ट्रेच कर कर जो है वो हमारे घर की घर यानी केव की केव की ज़मीन पर जो है वो जब लेटी रहती थी इट लेफ्ट मी फ्री टू रोम इन जंगल एंड रेस्ट अवे फ्रॉम द फैमिली तो जो टाइगर है वो कह रहा है कि वो बच्चे आराम से अपनी मदर के पास जो है इन्जॉय करते थे घूमते थे तो इस वजह से जो है मैं जंगल में दूर तक भी घूम आराम से घूम लेता था रेस्ट कर लेता था उनसे दूर होकर भी क्योंकि मुझे टेंशन नहीं रहती थी, थी उसकी ठीक है यूजली आई फाउंड द शेड ऑफ़ अ बैम्बू क्लस्टर वेरी प्लेजेंट तो टाइगर बोल रहा है कि वैसे अधिकतर जो है मुझे बैम्बू के जो बांस के जो झुंड होते थे ना उनकी छाया जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्लेजेंट यानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी आई मस्ट इन इट्स स्पेकल्ड शेड सो कम्प्लीटली दैट सम लिटिल बक और माइनर गेम वुड uh, स्टे near मी एंड आई वुड ओनली हैव टू टर्न एंड grab इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द cubs तो वो कहता है कि टाइगर कह रहा है कि मुझे बैम्बू के जो झुंड होता था यानी बैम्बू के जो पेड़ों का जो झुंड होता था वहाँ पर लेटना इसलिए भी अच्छा लगता था एक रीज़न था उसका कि मैं उस पैश्ड वाली यानी धब्बेदार वाली जो, 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 जो मतलब कहीं कहीं छाया कहीं कहीं धूप वाली जो जगह होती थी वहाँ पर बड़े आराम से लॉस्ट हो जाता था मतलब बड़ा इजीली दिखाई नहीं देता था तो वहाँ पर बड़े आसानी से कभी कोई ना कोई हिरन या कोई बहुत छोटा वाला जानवर जो है वो घूमता हुआ मेरे पास आ जाता था और मुझे केवल क्या करना होता था उसे बस पीछे मुड़कर उस पर उसे उस पर अटैक करना होता था और बड़े आराम से जो मेरे कब्ज थे मेरे जो बच्चे थे उनके लिए जो है खाना अरेंज हो जाता था वेन दे ग्रू अप एंड डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ देयर लिम्ब दे रैन अबाउट इन डिफरेंट डरेक्शन लेकिन अब वो जो बच्चे थे वो थोड़े से जब बड़े हो गए और अपने जो लिम्स का यानी अपनी अदर बॉडी पार्ट्स का जो है यूज़ करना सीख गए तो वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग गए वर नाउ एट एन अनसेफ स्टेज और अब जब वो इतने एक्टिव हो चुके थे अपनी मदर को छोड़कर इधर उधर कहीं भी भाग जाते थे तो वो एक अनसेफ वाली स्टेज में यानी असुरक्षित वाली स्थिति में आ गए थे एनी बेयर और बेसन कु ट्रेम्पल दम आउट ऑफ एक्सिस्टेंस नो रीजन वाई सच अ थिंग शुड है जंगल वॉज अलिश प्लेस वे आर द वीक और दंगीव्ड नो कंसिडरेशन फॉर देअर हेल्पलेस स्टेट तो टाइगर कहता है कि जब वो अनसेफ थे तो क्या है कि कोई भी बियर यानी कोई भी भालू या फिर कोई भी जो जंगली सण जो है वो उन्हें मार मार भी सकता था या फिर कुचल भी सकता था और ये सब जो है बातें आराम से हो सकती थी इसका कोई रीज़न नहीं था कि उन्होंने कुछ उन्हें डिस्टर्ब किया है कुछ भी क्योंकि इस ये जो जंगल है ना ये सबसे डेवलिश प्लेस है प्लेस है यानी कि सबसे डेंजरस प्लेस है जहाँ पर जो कमज़ोर हो या कोई नया वाला कोई एनिमल हो तो उसकी जो जो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी असहाय वाली जो स्थिति होती थी उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है ना हैड टू गार्ड दैम ऑल द टाइम हमें पूरे पूरे टाइम जो है उनकी देखभाल करनी पड़ती थी वी हैड टू गार्ड देम ऑल द टाइम वन वुड रन इन द डरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम अनादर वेट थ्रू एंड थर्ड द थर्ड वुड हैव क्लाइंब अ रॉक वे आर अ कॉलोनी ऑफ जाइंट ईगल्स नेस्टेड विच माई सूप डाउन एंड कैरी हिम ऑफ लिविंग हिज बोन्स टू ब्लीच इन द सन ठीक है अब वो ये कहता है कि जो एक जो बच्चा था वो स्ट्रीम यानी कि झरने की या नदी की डायरेक्शन में भाग जाता था दूसरा जो है पानी को बड़ी मुश्किल से पार करता था और आगे निकल जाता था और जो तीसरा वाला था वो चट्टानों की तरफ चला जाता था उस पर चढ़ जाता था ठीक है जहाँ पर जो है बड़े बड़े ईगल यानी बाज उनका घोंसला था है ना जो नीचे जो ज़मीन की तरफ जो है झपट्टा बड़े आराम से मार सकते थे और उस बच्चे को ले जाकर उसकी हड्डियों को धूप में सफ़ेद करके छोड़ देते थे यानी कि पूरा का पूरा उसका मांस वगैरह सब कुछ बड़े आसानी से खा लेते इक्वली डेंजरस वर द पाइथंस हु जस्ट स्वेलोड होल वाट एवर गेम दे आर वी फिर टाइगर कह रहे हैं कि इतने ही इक्वल जो डेंजरस थे वो पाइथंस यानी जो है सांप हुआ करते थे अजगर हुआ करते थे जो कि आराम से जो भी इनके रास्ते में आता था उसको निगल लिया करते थे ऑल्सो देयर वॉज द डेंजर ऑफ द कप्स स्लिपिंग एंड रोलिंग डाउन इन टू द रेवाइन इसके अलावा उन बेचारे जो छोटे बच्चे थे जो कप्स थे उनको जो है चट्टान से फिसल कर गिरने का भी डर था ठीक है वी हैव टू सेव दैम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एवरी अदर मिनट और टाइगर कह रहा है कि हमें उन्हें हर मिनट जो है उनको गिरने से डूबने से इन सारी चीज़ों से जो है उनको हर मिनट पर उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि वो कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे देवर नाउ टू लार्ज टू बी कैरेट बाय द स्क्रफ एंड वी कॉट एंड प्यूमल्ड अलोंग बैक इन टू द केव एंड वन ऑफ अस वुड लाई अक्रॉस द एंट्रेंस टू प्रिवेंट देआर गोइंग आउट अगेन दिस कुड बी नो परमानेंट सोल्यूशन तो वो कहता है कि अब वो जो बच्चे थे वो इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें गर्दन से पकड़ कर मतलब मुंह में भरकर गर्दन से पकड़कर लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था तो हम उनकी और हज, जब हम उन्हें पकड़ते थे या फिर उन्हें मारकर मतलब कि पीट कर जो है वो गुफा में वापस लौटाते थे बड़ी मुश्किल से ठीक है इसके अलावा हम में से दोनों मतलब टाइग्रेस और टाइगर में से कोई ना कोई एक जो है वो आ, केव के जो है एंट्रेंस पर लेट जाता था और ताकि वो दोबारा वापस बाहर नहीं निकले पर टाइगर बोल रहा है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था उनकी सेफ्टी के लिए अ टाइम केम एट केव माउथ मेड नो डिफरेंस टू दैम और धीरे धीरे वो इतने बड़े हो गए कि एक टाइम ऐसा भी आया जब जो है आ, केव के एंट्रेंस पर उसका जो मेन गेट था के, केव का उसकी जो रुकावट थी उसका भी उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता था वेन द सेंट्री पेरेंट वॉज फ्रॉलन इन टू अ डोज दे कुड इजीली हॉप ओवर हिम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड कि जब भी जो पैरा देने वाला पेरेंट जो है वो उसको हल्की सी नींद आ जाती थी है ना तो वो क्या करते थे वो उसके ऊपर से छलांग लगा के दुनिया की खोज में निकल जाते थे यानी कि बाहर निकल जाते थे दो वी एन्जॉयड द स्पेक्टिकल ऑफ अवर कब्ज एक्टिविटीज इट वॉज़ बिकमिंग अ सोर ट्रायल तो वो बोलते हैं कि जो टाइगर बोलता है हमें अपने बच्चों की जो एक्टिविटीज थी वो बड़ी इफेक्टिव लगती थी बड़ा हम लोग खुश होते थे उनकी एक्टिविटीज को देख कर लेकिन ये एक तरह से पेनफुल जो बिगनिंग थी यानी कि एक तरह से दुखद शुरुआत थी गार्ड अब टाइगर एक इंसिडेंट बता रहा है बोल रहा है कि एक शाम की बात है जब मेरा मेरी टर्न थी गार्ड करने की उन बच्चों का ध्यान रखने की देआर मदर हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ प्रे और उनकी जो मदर थी यानी टाइग्रेस जो थी वो जो है अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर गई हुई थी आई सॉ हर गो डाउन द सैंडी स्लोप अक्रॉस द रिवर एंड क्लाइम द अदर बैंक तो बोलता है कि मैंने टाइग्रेस को जो है जाते हुए देखा था नदी को पार करते हुए जो है वो बालू की रेतीली वाली जो जगह थी ग्राउंड था उसके नीचे की तरफ जाते हुए देखा था और फिर देखा था कि नदी के दूसरे किनारे के पर वो चढ़ रही थी आई द बैक वॉल ऑफ द केव और जो टाइगर है वो बोल रहा है मुझे ऐसा लगा मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि शायद बच्चे जो हैं वो गुफा की जो पिछली वाली दीवार है उस पर खेल रहे हैं बट एट सम मोमेंट वेन आई वॉज नॉट अलर्ट इनफ दे मस्ट एंड एस्केप्ड लेकिन वो ये कह रहा है कि शायद किसी ऐसे मोमेंट में किसी ऐसे क्षण में जब मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं था सतर्क नहीं था तब उन्होंने जो है मेरे ऊपर से छलांग लगाई होगी और मेरी आँखों के आगे से ओझल हो गए निकल गए या नहीं वेन आई वो कप आई सॉ देम across अक्रॉस द रिवर दे आर लिटिल over बॉबलिंग ओवर द वॉटर तो बोलते हैं कि जब मैंने मेरी उन मेरी आँख खुली मैंने उन्हें देखा तो मैंने देखा कि वो नदी को बड़ी मुश्किल से पार करने की कोशिश कर रहे थे उनके जो छोटे छोटे से सिर थे ना वो बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे यानी कि वो डूब डूबने किसी कगार पर थे आई वॉश दैम गो फीलिंग टू लेजी टू रन आफ्टर दैम तो जो टाइगर है वो कह रहा है कि मैंने मैं इतना ज्यादा आलसी हो गया था कि उनके पीछे नहीं दौड़ा ठीक है एविडेंटली देवर फॉलोइंग देर मदर सेंट और वो क्या कर रहे थे वो जो है अपनी मदर की सेंट का पीछा कर रहे थे अगर क्लियर से बताऊँ तो टाइगर कह रहा है नो no हार्म तो बोलता है इसमें कोई नुकसान नहीं था आई कुड सी देम गो अप द ऑपोजिट बैंक और उसने कहा कि मैं उन्हें देख पा रहा था कि वो जो है ऑपोजिट बैंक यानी कि नदी के दूसरे किनारे की तरफ जा रहे थे ठीक है और दे कुड रीच देर मदर एंड कम बैक लेटर कि वो अपनी माँ के पास पहुँच गए थे और थोड़ी देर के बाद वापस आए आफ्टर ऑल दे हैड टू गेन एक्सपीरियंस इट वुड डू देम गुड टू वॉच देयर मदर हंट एंड शेयर अ फ्रेश ठीक है और टाइगर कह रहे कि आखिरकार उन्हें जो है एक्सपीरियंस जो है वो शेयर वो करना था सीखना था एक्सपीरियंस लेना था तो अपनी जो मदर है उसको शिकार करते हुए देखना चाहते थे है ना और उस जो हंटिंग है उसके अंदर जो वो उसका पार्ट बनना चाहते थे वो उनके लिए फेवरेबल था कि दे टू विल लर्न द हंटिंग स्किल्स द एयर ब्लोइंग इन आर डायरेक्शन ब्रॉड सम स्ट्रेंज अनफेमिलियर नॉइस एंड क्रैकलिंग साउंडस लाइक ट्विग्स ब्रेकिंग तो अब टाइगर कह रहा है जो हमारी डायरेक्शन में जो हवा आ रही थी वो कुछ बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें कर रही थी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे जो टहनियाँ हैं वो टूट रही थी आई फेल्ट डिस्टर्ब एंड बी तो टाइगर जो था वो थोड़ा सा परेशान हो गया और घबरा गया नो साइंस ऑफ द कब्ज और द मदर और ना तो माँ का कुछ पता था और ना बच्चों का कोई नामो निशान था आई लेट आउट अर और दैट शुड रिंग थ्रू द फॉरेस्ट वैलीज एंड द माउंटेन्स एंड बैक माई फैमिली तो जो टाइगर था उसने ज़ोर से रॉरिंग की दहाड़ मारी जो कि जंगलों में घाटियों में पहाड़ों में होकर गूंज जाए इतनी तेज और उसने अपने परिवार को और जिससे क्या है कि उस दहाड़ से वो अपने परिवार को वापस बुला पाए कि वो लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो टाइगर्स हैं जो कब्ज़ हैं वो उसकी दहाड़ को सुने और वो उन्हें उसे सुनकर वापस आ जाए नॉर्मल इवेन आई कॉल्ड देयर वुड बी एन आंसर बट टूडे देयर वॉज नन ओनली दिटरिंग्स ऑफ बर्ड्स वेकिंग एट डॉन तो अब टाइगर कह रहा है कि नॉर्मली जब भी मैं रॉरिंग करता था तो क्या होता था कि कोई ना कोई जो है आंसर आता था लेकिन कोई रेस्पॉन्स आता था उनकी तरफ से लेकिन आज कुछ भी नहीं था केवल कुछ जो पक्षी थे उन चिड़ियाएँ थी उनकी चहचाने की आवाज़ आ रही थी जो सुबह होने पर आती है आई वेंचर्ड आउट डाउन द स एंड अक्रॉस द रिवर फॉलोइंग द कोर्स आई हैड वॉश द कब्स टेक द सेंट लेड मी ऑन एंड ऑन टू द रिज एंड देन डाउन अ वैली टू द प्लेन्स विच हैड अ पाथ लीडिंग टू ह्यूमन हैबिटेशन बियॉन्ड द जंगल अब टाइगर कह रहा है कि जब वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने थोड़ा सा खतरा उठाकर जो है नीचे उतरा बालू के टीलों के नीचे उतरा नदी को पार किया और पीछे पीछे जो है मैं दौड़ते हुए जहाँ मैंने अपने बच्चों को ले जाते हुए देखा था है ना उनकी जो स्मेल थी वो मुझे पहाड़ों के बार और फिर एक जो वैली है उसके नीचे फिर उस फिर वहाँ से होते हुए जो है ग्राउंड में यानी कि मैदान में जो है जिनसे जंगल को पार करके जो है ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ जानी जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते थे उस वाले रास्ते की तरफ मैं जा रहा था I cried in anguish and desperation, but silenced myself and crouched unobtrusively. When I noticed far off in the valley down below a line of men passing, pulling and pushing an open cart on which were laid out the cubs and their mother. तो अब जो टाइगर था, वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा disturbed feel कर रहा था, तो मतलब कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। लेकिन अपने आप को मैंने कंट्रोल किया चुप किया और थोड़ा सा जो है डाउन जो है बिहेव किया जब मैंने अपने पास से जो है नीचे वैली में कुछ आदमियों को लाइन से जाते हुए देखा और वो लोग एक खुली हुई जो है गाड़ी लेके जा रहे थे जिस जिसके जिस पर जो है उसके कब से और उसकी मदर थी वो उसको खींचकर कर पुश करते हुए जो है लेकर जा रहे थे द मैन वर सिंगिंग एंड शाउटिंग एंड डिड नाट ही माइक्राई तो वो जो लोग थे वो बहुत ज़ोर जोर से गा रहे थे शोर कर रहे थे और इसी वजह से उसोर में जो है उन्होंने मेरी यानी टाइगर की आवाज़ नहीं सुनी आई है टिल नाओ दैट आर जंगल होम वॉज इम प्रेग्नेबल एंड अन अप्रोचेबल फॉर ह्यूमन बींग्स तो बोलता है मैं अब तक तो यही सोचता था कि हमारा जो जंगल है उसके अंदर कोई बड़े आराम से घुस नहीं सकता और इवन ह्यूमन बींग जो है उनकी तो उनका तो कोई आ, उनके लिए तो बहुत ही अप्रोच करना यानी वहाँ पहुँचना उनके लिए तो सच में ही बहुत मुश्किल था इनफैक्ट आई हैड हार्डली सीन एनी स्पेसिमेन टिल दिस मोमेंट और बोलता है कि मैंने आज तक तो बड़ी मुश्किल से शायद ही किसी जो है ह्यूमन बींग को यहाँ पर आज तक देखा था नाव ह्यूमन फीट हैड स्ट्रेड इन एंड टच्ड आवर ग्राउंड एंड दैट ब्रॉट टू माई माइंड स्ट्रेंज फॉर बीजिंग्स लेकिन इस बार उसने देखा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पैर जो हैं वो हमारे जंगल में पड़ चुके थे और उन्होंने हमारी ज़मीन को टच कर लिया है और अब जो है टाइगर बोल रहा है मेरे दिमाग में बहुत जो है अनऑस ऑस्पिशियस बातें यानी कि बहुत ज़्यादा अपशगुन वाली बातों बातें है, जो हैं वो मेरे दिमाग में आ रही थी आई वॉच दलर्स वेंट दे अ they were too intoxicated to notice me since i lay concealed behind the boulders as the procession wound along i hopped on to another rock and stalked them तो जो शोर मचाते हुए जो लोग जा रहे थे टाइगर बोल रहा है उन लोगों को मैंने रास्ते में घूमते हुए देखा वो इतने ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड थे नशे में थे कि मुझे देख नहीं पाए और मुझ पर ध्यान नहीं दे पाए जबकि जो टाइगर है वो बोल रहा है कि मैं तो जो है पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों के पीछे छुपा हुआ कोशिश करता रहा कि कैसे मैं अपने कब्ज तक पहुँच जाऊँ As the procession would along, वोंट along आई hopped ऑन to अनदर रॉक एंड स्टॉक नॉन as the सन केम अप my आईज वर dazzled एंड द प्रोसेशन मेल्टेड into thin थिन एयर आई एश्ड the द शेड ऑफ एन cliff and क्लिफ एंड स्टेड देयर अब वो ये कह रहा है कि मैं जब वो लोग जो है मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे दे पा रहे थे मुझे देख नहीं पा रहे थे तो जैसे ही वो लोग एक किनारे से गुजरे तो मैं दूसरी चट्टान पर उछलकर कूद गया और फिर उसके पीछे छुप गया ठीक है और जो सन था वो ऊपर आ जाने की वजह से दोपहरों का टाइम था तो ऊपर आ जाने की वजह से जो है मेरी आंखों में उसकी रोशनी बढ़ रही थी और मुझे जो है थोड़ी दिक्कत हो रही थी ठीक है जो जो जुलूस जो था जो लोगों का जो झुंड था वो हल्की सी जैसे लाइट एयर होती है ना उसकी तरह से बिल्कुल आंखों के आगे से जैसे पास हो गया गुजर गया है ना और जैसे ओझल हो गया जो बोलते हैं है ना और जो जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था मैं उसके साइड में हो गया थोड़ा सा और वहीं रुक कर और वहीं जो है ठहर गया वहीं रुक गया आई स्लेप्ट डस्क आई गॉट अप एंड मूव इन द डेक्शन द प्रोसेशन हैड गॉन तो वहीं पर जो है टाइगर सो सो गया क्योंकि जो सन था वो सेट हो चुका था है ना तब फिर जो टाइगर वो बोल रहे हैं मैं जगा और जिस रास्ते से वो जो प्रोसेशन था वो गया था जुलूस गया था उसी डायरेक्शन में मैं चल दिया आई टू केयर नॉट टू बी नोटिस बाय एनी जंगल क्रिएचर पर्टिकुलरली द आउल और द जैकल हु ऑलवेज स्पाइड ऑन माय मूवमेंट्स तो टाइगर कह रहा है कि मैंने कोशिश की कि मैं किसी जंगल क्रिएचर स्पेशली किसी जंगल क्रिएचर के जो है में के, आ, नोटिस में नहीं आऊँ है ना क्यों नहीं आऊँ स्पेशली किसके नोटिस में नहीं आऊँ आउल या जैकल के आ, नोटिस में बिल्कुल भी नहीं आऊं जो हमेशा जो है मेरी एक्टिविटीज पर जो है वॉच रखा करते थे आई मूवड अवे फ्रॉम द ट्रीज ऑन विच द आउल जनरली वॉज फर्स्ट एंड द बुश वेयर द जैकल वुड बी अराउंड तो अब जो टाइगर है वो कह रहा है कि मैं उस पेड़ से दूर गुजरा दूर से गया जहाँ पर यूजुअली जो है आउल बैठा रहता था और वो वाली बुशेज से थोड़ा दूर होकर गया जहाँ पर जो है जयकर इधर उधर की खबरें पहुंचाने का काम करता था आई कैप माई मूवमेंट्स अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द हिल एट एट अ सेफ हाइट तो अब टाइगर जो बोल रहा है कि मैंने अपने सारे मूवमेंट जो थे मेरे जो क्रियाकलाप थे वो जो रॉक्स थे चट्टानें थीं उनके किनारों की तरफ रखे है हाँ ना और फिर वो ये कह रहे कि और एक सेफ जगह पर जो है मैं जाकर अपने मूवमेंट्स को मैंने कंटिन्यू किया वेन आई अराइव्ड एट अ विलेज आई फाउंड मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स अ जब मैं एक गांव में पहुंचा तो मैंने वहाँ के अधिकतर वहाँ जो रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को सोते हुए पाया नॉइसलेसली आई वेंट अप एंड ले बिसाइड अ वेल अंटिल एवरी थिंग वॉज क्वाइट और फिर बिना शोर करे मैं गया मैं गया और एक कुएं के साइड में जाकर चुपचाप से लेट गया बैठ गया और तब तक सब कुछ ठीक था द कार्ट इन विच द कब्स एंड देयर मदर वर लेट आउट वॉज लेफ्ट टू वन साइड इन द विलेज स्ट्रीट और वो जो गाड़ी थी जिसके अंदर कब्स को या टाइगरस को ये दोनों पड़े हुए थे जिन जिन में उन, उसे उन्हें लाया गया था वो एक साइड में एक गली में रखी थी आई कुड सी इट ऑल क्लियरली फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस तो टाइगर जो है वो बड़े आराम से अपनी छुपी हुई जगह से उन सबको देख पा रहा था द साइट ऑफ माई फैमिली स्ट्रेस्ड आउट देयर फील्ड मी विथ फ्यूरी इन दोज डेज आई वॉज स्टिल अ टाइगर एंड अनमिटिगेबल एनिमल एंड द ओनली फीलिंग दैट वॉज अरोज इन मी वॉज फ्री रादर देन ग्रीफ विच आई अंडरस्टूड नाउ अब टाइगर कह रहा है कि आ, मेरे परिवार के बिखरने का जो नज़ारा था उससे मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था है ना मैं अभी भी वही वाला टाइगर था जो असल असलियत में जो एनिमल होता है जो जानवर होता है है ना मेरे अंदर जो दुख हो दुख के बजाय जो है गुस्सा ज्यादा हो रहा था अब जिसे मैं दुख समझता हूं पहले मुझे ज्यादा गुस्सा आया करता था अब ब्लाइंड इम्पॉसिबल एंग इन इन मी विद इन मी आई जस्ट वॉन्टेड टू डैश अप पाउंस अपॉन एवरी क्रिएचर बाइट एंड क्लॉ एंड डिस्ट्रॉय आई वॉन्टेड टू स्प्रिंग फॉरवर्ड पिक अप द कब्स एंड कैरी दम अवे अब टाइगर को इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि वो क्या चाहता था कि जो है उसके अंदर का जो गुस्सा था वो उससे और भी ज़्यादा बढ़ रहा था उसे जैसे भड़का रहा था तो वो तुरंत क्या चाहता था कि वहाँ के जितने भी क्रिएचर्स हैं जितने भी जो प्राणी हैं उन सब के ऊपर झपटना चाह रहा था उन्हें अपने पंजों से फाड़कर बर्बाद कर देना चाह रहा था और क्या उसने क्या बोला कि मैं आगे छलांग लगाकर अपने बच्चों को उठा ले जाना चाहता था सो स्टूडेंट्स इट वॉज़ योर थर्ड पार्ट ऑफ द नॉन फिक्शन अ टाइगर फॉर मालगुडी See you in the next video. Till then, bye bye.